ये देखें सोर्स मोगल का एक्सपीरियंस कैसा है ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। आई विल नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस ड्रॉप शिपिंग मॉडल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल। अगर इसको मैंने सर्च बाय रिटेलर वेबसाइट किया है दैट इज सैम्स क्लब, ठीक है। हमारे जो टेस्टेड दो विनिंग रिटेलर वेबसाइट्स हैं वो हैं सैम्स क्लब और वॉलमार्ट। मैं जब इनके प्रोडक्ट्स को निकालती हूँ तो दैट्स गुड एंड हमारे लिए कन्वीनियंट है कि ये हमें थाउजेंड्स में प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर डेट आपने क्राइटेरिया सेट करना है क्योंकि ऐसे भी उसमें भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी आरओआई डेड हैं। तो आपने क्या करना है, आरओआई को एटलीस्ट 30% आपने लाजमी रखना है या 15-20 भी कर लें, अप टू यू। डिफरेंट क्राइटेरियाज के साथ आप करेंगे हंटिंग तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मुझे इसकी आउटपुट कैसी मिल रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको ये चेक करना होता है कि ये मुझे सॉफ्ट अप्रूवल देगा या नहीं देगा। और हमारे पास ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी डिटेल्स में हैं या वो न्यू अकाउंट्स हैं जिनकी सेल्स हिस्ट्री हो, ओल्ड अकाउंट्स हो, LLC पे हो, एक अच्छी अकाउंट हेल्थ हो, टाइम के साथ गुजरे हुए टाइम के साथ अच्छे तरीके से उसको लेके जाएं, तो आपको फिर अनगेट कैटेगरी कर देता है Amazon itself। लेकिन हमारे पास क्योंकि न्यू अकाउंट्स हैं या शॉर्ट पीरियड है अभी उनके अकाउंट का लाइफ का, उनकी हेल्थ या तो डिस्टर्ब है या बिल्कुल न्यू आपके कोरे आपके अकाउंट्स हैं, उस पर आपकी लिस्टिंग्स नहीं हो रही होती। बेशक अनगेटेड कैटेगरी के लिए बहुत आपके लिमिटेड प्रोडक्ट्स लग रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जब इसके आरओआई और फिल्टर्स में इसकी प्राइस सेट करेंगे या कैटेगरी, आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। जब आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर आप ये देखें कि आपके ये वाला प्रोडक्ट जो है ये अमेज़ोन पे लिस्ट होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने इसके सॉफ्ट अप्रूवल चेक करना है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपका कारामत नहीं है, दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू अनटिल वो आपका सॉफ्ट अप्रूवल आपको नहीं दे रहा, सेल सेंट्रल पे नहीं लग रहा, समझे। जितना ज़बरदस्त मार्जिन है, जितनी अच्छी सोर्सिंग है, जितना अच्छा प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट ज़ाया। क्योंकि अच्छा एक और भी ये भी तरीका इन लोगों ने रखा हुआ है कि जब आप किसी हंटर से प्रोडक्ट हंट करवाते हैं मार्केट में, जैसे डिफरेंट हमें भी पोन जॉब्स के ऑफर्स आ रही होती हैं और पोस्ट भी पढ़ते हैं, तो हमें मार्केट में गुड हंटर चाहिए जिसके पास प्रोडक्ट्स हों, आरओआई ऐसे हो वैसा हो, ऐसे इस तरीके से ना डिमांड्स की हुई हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती और मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि जब आपको हंटर अपनी मेहनत के आपको प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है, उसके पास सेलर सेंट्रल ना हुआ, क्योंकि कुछ न्यूबीज ऐसे हैं जो सीख रहे हैं और वो जस्ट हंट करते हैं और उनके पास नहीं होते हैं सेलर अकाउंट के, वो चेक करें उनके पास सॉफ्ट अप्रूवल है कि नहीं। वो आपको जितने प्रोडक्ट्स देते हैं वो सब आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, आपके सेलर सेंटर पे लगते ही हैं, और वो बेचारे जहाँ पे दो तीन तीन हो डील्स हों आपको डबल ट्रिपल दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स भी उनके रिवील हो रहे होते हैं। सो आई विल सजेस्ट, और मेरा तरीका भी ये है कि अगर आपने किसी से प्रोडक्ट्स हंट करवाने हैं या ख़ुद बैठ ही करने हैं, सबसे पहले उसका एसएन कॉपी करें और उसको सबसे पहले अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे चेक करें। जब आपका वहाँ पे सॉफ्ट अप्रूवल मौजूद हो, मींस आप लिस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके क्राइटेरिया के साथ उसको मैच करें, दूसरे पैरामीटर्स और दूसरे फैक्टर्स की तरफ तो बाद में जाएँ, ठीक है। पहली चीज़ होती है आपका सॉफ्ट अप्रूवल्स। तो न्यूबीज अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनके मेरी यही सजेशन है कि पहले आप लोग ज़रा सेलर सेंट्रल को अरेंज करें, आपके अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे बन जाता है, आप कोई काम ना करें उस पर, आपको बेसिक्स पता है क्या करना है, आप पहले लर्न करें प्रॉपर। लेकिन अगर आप हंटिंग कर रहे हैं और हंटिंग के करके ही आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू मेक मोर मनी दिस वे, तो आपके पास सेलर सेंट्रल होना चाहिए अगर आपके पास सीनियर का मौजूद नहीं है या किसी फ्रेंड के अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्लाइंट, तो आपको नहीं मैं रिकमेंड करूँगी इस फेस में, ना ही होना चाहिए। तो आपको चले मैं आपको अब बताती हूँ प्रैक्टिकली करके कि मैं कह रही क्या थी, ठीक है। अब देखिए सैम्स क्लब है, मैंने इसको रिट बाय रिटेलर इसको मैंने सर्च किया और इसको सैम्स क्लब है। अब ये मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, क्योंकि जब मैं आरओआई इसकी सेट करूँगी
तो वो मुझे ब्रांड के अच्छे ही प्रोडक्ट्स देगा जो आपको थोड़ा मतलब विनिंग होते हैं। अब देखें ये दूसरा भी है, ये परफ्यूम भी है, ये भी क्रोम, ये भी ब्रांड का मुझे लग रहा है और गेटेड कैटेगरी है। थर्ड इसको हम लोग कर देते हैं, ये गॉर्मे की है, तो चलें इसी को ट्राई कर लेते हैं। ये कैसा होगा, पैक ऑफ 12 एंड वेरिएशंस में होगा और रेटिंग भी काफ़ी है। बहुत बड़े ब्रांड्स या बहुत ज़्यादा बड़ी रेटिंग के साथ हमने नहीं जाना होता, ठीक है। स्टार्ट में आपने न्यू में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे आपको सोर्स मुगल में नहीं आपको पता चलेगा कि ये आपने ये लिस्ट करना है कि नहीं, या इसकी क्या रेटिंग है, ये एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है कि नहीं। आपको मैनुअली एक एक चीज़ ओपन करनी होगी, ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से चार इसमें है FPM वगैरह, FPM भी कम है, इसको हम लोग को वैसे भी चूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक जस्ट दिखाने लगी हूँ कि ये होगा या नहीं होगा। देखिए ये नहीं हुआ, ठीक है, अप्लाई टू सर, ये आपका नहीं है। तो अभी ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इस पर मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपने एनालिसिस को मैंने देना है कि ये सोर्स मुगल जो ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड सॉफ्ट अप्रूवल एंड ड्रॉप शिपिंग के लिए ये बहुत फेमस हुआ है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट फॉर दीज मॉडल्स, ठीक है। आप हेल्प आउट ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि चलें आपको एक जिस तरह हीलियम सपोर्ट करता है, JS सपोर्ट करता है, कीपर सपोर्ट करता है, इसी तरह यहाँ पे एक ये है कि ये नहीं कि बिल्कुल लिस्ट नहीं होते, हो भी जाते हैं, बट दिस इज़ बेसिकली फॉर, आई फील दिस इज़ बेसिकली फॉर होलसेलर्स। मतलब आपको अच्छा ब्रांड पता चल गया। अभी देखे हाँ मैंने कि मुझे एक ब्रांड मिला है और उस ब्रांड पे मुझे हार्ड अप्रूवल चाहिए, ऑब्वियसली फॉर डैट अगर इसकी सेल्स अच्छी हैं, अच्छे मार्जिन से, मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि होलसेल के लिए दिस इज़ परफेक्ट ब्रांड एंड लिस्टिंग, आई विल ट्राई टू फाइंड ऑथराइज्ड सेलर्स नाउ, ठीक है। ऑथराइज्ड सेलर्स को मैं फाइंड आउट करूँगी, अप्रूवल्स दूँगी, तब जाके मैं इसको मीट आउट करूँगी, तब मैं कहूँगी कि हाँ सोर्स मुगल सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट टू गो। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड फॉर द ड्रॉप शिपिंग, आई विल नॉट रिकमेंड फॉर द ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी तो आपको सॉफ्ट अप्रूवल ड्रॉप शिपिंग के लिए ही चाहिए ना, और आप ये समझें कि ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं या मेरी टीम, हमने इसके एक एक चीज़ को खंगाल दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स या तो आउट ऑफ स्टॉक हैं या हमें 95% सॉफ्ट अप्रूवल्स हमें नहीं मिले, तो प्रोडक्ट्स आपके आउट ऑफ स्टॉक हैं वो उनको लिस्ट में बस आप कर लें, और जब वो रीस्टॉक हो आप रीचेक कर लें, उसके बाद देन प्ले योर गेम, ये इस तरीके से है। बट इट्स नॉट द लाइक कि आप इस पे डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ हेल्पिंग टूल, जस्ट आपको सपोर्ट हो गया या आपको कन्वीनियंट हो गया, बट आई विल से यस दिस इज़ बेस्ट फॉर होलसेल, ठीक है। आपका UK के लिए भी और आपके USA मार्केट के लिए भी दिस इज़ बेस्ट। अब मैं देखा कोई और भी आपके सामने कर देती हूँ, चलें इसको ले लेते हैं। हम ग्रोसरी के आइटम्स को उठा रहे हैं, आज मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, तो क्योंकि मुझे जस्ट शॉर्ट वीडियो बनानी थी, एनालिसिस मुझे देने थे, सो आई वॉज ओके विद इट कि आपको मेरा मैसेज पहुँचेगा अगर मैंने मोबाइल से भी बनाया। सेलेक्ट अप्लाई टू सेल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह होगा, जब मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया तो आपके पास बहुत लिमिट हो जाएगा। अगर मैंने इस पर प्राइस या मैक्सिमम सेलर थोड़ा सा और मैंने क्राइटेरिया को कुछ भी लगाती गई ना, तो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके गेटेड ही समझ लें, ये 312 हैं इसकी रेटिंग, ठीक है। 312 है, 9+ इसके हैं मीटू, इसको चेक करते हैं, हो तो जाना चाहिए पर नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हो अप्लाई टू सेल, हालांकि कम रेटिंग वाले जो आपके होते हैं वो मैं करती हूँ कि 200 या 300 से ऊपर अगर ब्रांड की रेटिंग है तो उन प्रोडक्ट्स के साथ आप जाएं। 20 रेटिंग गोरिल्ला, लेट्स ट्राई, क्योंकि अच्छा एक और ये भी चीज़ है कि गोरिल्ला इज़ अ ब्रांड टेप के लिए, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बहुत आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया वो होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को अपना ऐसे उन्होंने सेल दिस प्रोडक्ट ओपन किया होता है, ओपन फॉर ऑल DS और ऑनलाइन आर्बिट्राज वालों के लिए। तो ये परफ्यूम है, ये हमें देख के ही पता चल गया कि नो दिस इज़ नॉट फॉर डैट। इसी तरह हमें 705 दैट इज़ एक्सेप्टेबल,
लेट्स सी कि हमें 85,000 है, हम लोग ड्रॉप शिपिंग इसको नहीं भी रेफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन आई स्टिल से कि जहाँ पे इतने प्रोडक्ट्स हमने लगाने हैं दिन रात, कि अगर उसमें से दो चार हो ही जाएँ, अगर 70,000-80,000 वाले भी दो चार सेल दे ही दें तो क्या टेंशन, ठीक है, इतनी जब मेहनत कर ही रही हैं तो दो चार सेल्स आ जाए, कुछ मार्जिन आ जाए वहाँ से भी, तो क्या टेंशन। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट सोर्स मुगल, कि ये किस मॉडल के लिए बेस्ट है। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस सोर्स मुगल इज़ बेस्ट फॉर जस्ट फॉर द होलसेलर, अदरवाइज नॉट फॉर PL, नॉट फॉर DS, नॉट फॉर ऑनलाइन आर्बिट्रेज। थैंक यू सो मच।